एंड्रॉयड 9.0 पाई बेटा का रोल आउट फाइनली स्टार्ट हो चुका है ऑसुस के ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 यूजर्स के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू technobuzz.net। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो M2 प्रो है उसके अंदर एंड्रॉयड पाई का जो फर्स्ट बेटा है उसको इंस्टॉल कर पाएंगे, क्या फीचर्स हैं और क्या क्या नई चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आपको नया इसके अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 फ़ोन है। इसको मैंने आज एंड्रॉयड पाई का जो बीटा वर्जन है जो कि फाइनली रोल आउट होना शुरू हो गया है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। मैं आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूं एक बार सिस्टम के अबाउट फ़ोन में ये कौन सा वर्जन। तो ये देखिए एंड्रॉयड वर्जन 9। सिक्योरिटी पैच लेवल आपको इसके अंदर 1st of January 2019 का मिलता है और इसका जो बिल्ड नंबर है वो है PKQ1WW4। ये M2 प्रो के लिए है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको नहीं पता है कैसे इंस्टॉल करते हैं इस अपडेट को तो उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं। जो M2 Pro के यूजर्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि फरवरी शुरू होते ही या जनवरी के एंड में पाई का अपडेट आ जाएगा, वैसा हुआ नहीं है। तो ये पाई का फर्स्ट बीटा आया है, इसके अंदर आपको कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। सिर्फ ऐसा लगेगा जैसे आपने ओरियो के ऊपर ही एक स्किन दे दी है जिसके ऊपर सिर्फ पाई लिखा है और एंड्रॉयड 9 लिखा है। आपको कोई भी मोस्टली अभी तक पाई के फीचर्स इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए रीसेंट बार्स जो आपका टैब होता है वो भी आपको एज इट इज ओरियो का ही देखने को मिलता है। आपको इसके अंदर जो है जेस्चर सपोर्ट्स नहीं मिलते हैं। मैं दिखा देता हूँ सिस्टम में, देखिए जेस्चर्स में जाके आपको अभी भी इसके अंदर एंड्रॉयड पाई के जो जेस्चर्स होते हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। नीचे आपको नेविगेशन बार ही देखने को मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ पाई जेस्चर्स क्या होते हैं। तो ये देखिए इस टाइम पे हमारे पास एक गूगल पिक्सल का फ़ोन है, इसके नीचे आप ये जेस्चर्स देख पा रहे होंगे। पाई जेस्चर्स जो हैं इस तरीके से काम करते हैं, आपको रीसेंट टैब्स इस तरीके से दिखता है। तो कुछ इस तरीके के जेस्चर्स आपको पाई के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि आपको अभी आपके M2 Pro के अंदर नहीं मिला है क्योंकि ऑलरेडी पाई का फर्स्ट अपडेट है। तो माना जा सकता है मे बी जो नेक्स्ट बिल्ड आएगा उसके अंदर आपको ये जेस्चर्स और रीसेंट पार्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एंड्रॉयड पाई के अंदर जो आपको डिजिटल वेलबींग का एक फीचर देखने को मिलता है वो भी आपको नहीं देखने को मिलता है। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था छोटे मोटे कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर। ऐसा लगता है एक स्किन दे दी है आपको थीम सी कि एंड्रॉयड 9 की, बट फीचर्स आपको उसके अंदर कोई भी देखने को नहीं मिलते। हाँ, अगर आप देखेंगे तो स्किन वाइज आपको पूरा एंड्रॉयड 9 का फील देखने को मिलता है। आपको क्यूबटॉकर्स भी एंड्रॉयड 9 के ही मिलते हैं, बट फीचर्स आपको इसके अंदर एंड्रॉयड 9 के कोई भी नहीं मिलते। कॉलिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हम जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको एक कॉल कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कॉल हमने कनेक्ट कर दी है, कनेक्ट हो चुकी है, स्पीकर पर मैं डाल देता हूँ। देखिए ऊपर आपको वहाँ पे वोल्ट का आइकन देखने को मिल जा रहा होगा, ये ऊपर साइड पे, जो कि ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो अब बात करते हैं इसका बेंचमार्क स्कोर क्या मिला है इसको और आप पबजी कौन से मोड पे खेल पाते हैं। तो देखिए बेंचमार्क स्कोर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मिलता है 13153। और पबजी को भी मैं आपको एक बार लॉन्च करके दिखा देता हूँ कि पबजी आप जो है कौन से मोड पे खेल सकते हैं। बट उससे पहले बात करते हैं कैमरे के अंदर। कैमरे के अंदर कोई मेजर चेंजेस किए नहीं गए हैं, एज इट इज़ वैसे ही है कैमरा। कोई ज़्यादा आपको मैं नहीं बता पाऊंगा कि नहीं इसके अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं नहीं कुछ। मैं थोड़ा सा और चेकआउट करूंगा इसको क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी ही थोड़ी देर पहले इसको इंस्टॉल किया और आप लोगों के साथ उस लिंक को शेयर करना चाहता था, तो इसलिए ये वीडियो बनाई। कैमरे के अंदर आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, एज इट इज़ वही है कैमरा। तो एक तरीके से मैं बता सकता हूँ आपको कि पूरी की पूरी एज इट इज़ वैसे ही है जैसा ओरियो में आपको मिलने को मिलता था, बस आपको एक पाई की स्क्रीन देखने मिली। तो अब बात करें हम पबजी की, तो मैं पबजी आपको लॉन्च कर देता हूँ एक बार। तो ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके पबजी का ग्राफिक पेज है, आप ग्राफिक्स को HD पे रख के और फ्रेम रेट को हाई पे रख के इसमें खेल सकते हैं। बाकी ज़्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकता इसके अंदर। सेटिंग्स का पूरा पैनल एज इट इज़ वैसे ही है, आपको वही सारे ऑप्शन मिलते हैं जो पाई मिलते हैं, जैसे नेटवर्क, इंटरनेट, कनेक्टेड डिवाइसेस, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन। बैटरी में आपको बैटरी मैनेजर मिल जाता है जो कि अभी तक बिल्कुल पाई की तरह नहीं है, बट छोटे मोटे चेंजेस आपको नेक्स्ट बिल्ड के अंदर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक जिप फाइल है उसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके इसको अपने इंटरनल मेमोरी में सेव कर लेना है और रिबूट करके आपको ऊपर एक सिस्टम अपडेट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्प्ले का भी आपको पैनल दिखा देता हूँ, आपको वही चीज़ें मिलती हैं, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्क्रीन सेवर, ब्लिंक लाइट, एम्बिएंट डिस्प्ले, डिवाइस थीम, जिसको आप लाइट या डार्क मोड पे कर सकते हैं, और स्क्रीन कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दैट्स इट। तो एक तरीके से देखा जाए तो अभी कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। मे बी क्या पता ऑसुस जो है इस पर काम कर रहा हो, ये फर्स्ट बिल्ड है तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते कि अच्छा है या ज़्यादा है क्योंकि बीटा स्टेज पे है। तो बीटा मीन टेस्टिंग होता है, तो अभी ये टेस्टिंग स्टेज पे है, तो माना जा रहा है कि आपको मार्च तक जो है फुल स्टेबल वर्जन देखने को मिल सकता है।
उससे पहले आपको 2 या 3 पाई के बेटा और मिल सकते हैं। तो बस ये छोटा सा अपडेट इसी के ऊपर था कि ऑसिस के जो लोग हैं M2 Pro के, उनको पाई का बेटा अपडेट मिलना शुरू हो गया। अगर आपको नहीं मिला है तो आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं पता है कैसे इंस्टॉल करना है तो एक वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको देख के आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।